नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे और आप देख रहे हैं सागर एक्सप्रेस न्यूज का खास कार्यक्रम राजनीति का रोज नामचा। तीन राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में किसानों के मुद्दे को लेके भारतीय जनता पार्टी का तख्त तो ताज पलट गया। वहीं कमलनाथ की सरकार ने मध्य प्रदेश में ये ऐलान किया था कि सरकार बनने के बाद वो कर्ज माफी करेंगे किसानों की, और हुआ भी यही, उन्होंने कर्ज माफी की घोषणा की। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी सरकार की इस कर्ज माफी के शर्तों के खिलाफ ज्ञापन देने में जुटी है। आज उसी तारतम्य में सागर में एक ज्ञापन दिया गया, किसान बैनर तले यह ज्ञापन दिया जा रहा था। उस वक्त किसानों के और इस बैनर तले सांसद लक्ष्मी नारायण यादव भी मौजूद थे। उन्होंने न सिर्फ प्रदेश सरकार की कर्ज माफी की शर्तों का विरोध किया बल्कि बातों ही बातों में कर्ज माफी का भी विरोध कर बैठे। तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो भी किसानों की कर्ज माफी की बात कर रहे हैं। सांसद का यह बयान मोदी के प्लान को कहीं झटका तो नहीं दे रहा? तो देखिए खास खबर सागर एक्सप्रेस न्यूज पर। राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपने आए यह किसान मोर्चा बैनर तले सागर कलेक्ट्रेट कार्यालय में जमा नेता और किसान भाजपा से हैं, जो कमलनाथ की प्रदेश सरकार द्वारा कर्ज माफी की उलझी शर्तों का विरोध करने आए थे। इस हुजूम में सागर लोकसभा के सांसद लक्ष्मी नारायण यादव और नरेयावली विधायक प्रदीप लारिया भी शामिल थे। सांसद जी से जब मीडिया ने किसानों की कर्ज माफी का सवाल किया तो पहले सांसद ने पार्टी द्वारा डी लाइन के अनुसार जवाब देकर कहा कि कर्ज माफी को प्रदेश सरकार ने उलझाकर लाल, नीले और कई प्रकार के फार्म जारी किए हैं जो ठीक नहीं है। ये क्या है कि ये एक फार्म लाल, नीले, काले, पीले, पांच सात सात प्रकार के फार्म हैं, मतलब कुछ नहीं, टाइम मार्किंग का खेल है। चुनाव हो जाने दीजिए, इसके बाद सही स्थिति आपको स्पष्ट हो जाएगी और चुनाव तक ये जनता को मुगालते में रखना चाहते हैं। वही जब मीडिया ने कहा कि भाजपा ने सरकार रहते किसानों का कर्जा माफ करने का मन क्यों नहीं बनाया तो सांसद जी इस सवाल पर भड़क पड़े। वो बोले, किसानों की कर्ज माफी नहीं होना चाहिए, यह कोई सॉल्यूशन नहीं है, किसानों को इससे बेकार बनाया जा रहा है। हालांकि भाजपा के दोहरे मापदंड और इस तरह के बयानों से पार्टी की फजीती हो रही है। एक ओर भाजपा किसान की कर्ज माफी की शर्तों का विरोध करती है तो दूसरी ओर वह किसानों की कर्ज माफी का विरोध करती है। हम कर्जा माफ के विरोध में है, आप समझ लीजिए, बहुत साफ कह रहे हैं। तो नहीं, एक तो इसमें क्या है कि जो वास्तविकता में जो ईमानदार किसान होता है उसको नुकसान होता है हमेशा, एक बात। और दूसरा, कर्जा माफ नहीं से नहीं, कोई समस्या का हल नहीं होगा, फिर कर्ज हो जाएगा, फिर दो दो, दो चार साल बाद फिर माफ करो, तो ये तो विशेष सर्किल है, सतत चलने वाला वाला दुष्चक्र है जिसमें फंस जाता है किसान। इन दोहरे मापदंडों और सांसद के बयान से आने वाले लोकसभा में मोदी सरकार को सांसद बैठे बिठाए कटघरे में खड़ा कर दिया। इकराम खान के साथ शंकर विश्वकर्मा, सागर एक्सप्रेस न्यूज। सागर एक्सप्रेस न्यूज के वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए, और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।